नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। जून 2022 शुरू होने वाला है और जून 2022 में ग्रहों की स्थिति कर्क राशि वालों के लिए क्या होगी, आइए हम विचार करते हैं। उससे पहले मैं ये कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो सबसे पहले ये गोचर कुंडली आपके समक्ष है। चंद्रमा जो है लग्न में बैठे हुए हैं और केतु जो है चौथे भाव में बैठे हुए हैं और शनि जो है अष्टम भाव में है, गुरु और मंगल जो है नवम भाव में है, राहु और शुक्र दशम भाव में है, बुध और सूर्य जो है आपके ग्यारहवें भाव में है। तो ये ग्रह वक्त वक्त पर अपना स्थान परिवर्तन करते रहेंगे और शुभ अशुभ योग बनाते रहेंगे। तो ये थी आपके जून के महीने की शुरुआत, इस प्रकार की कुछ ग्रहीय व्यवस्था आपके समक्ष होगी। तो अब ये जो ग्रह है ये आपको क्या परिणाम देंगे, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, इस महीने में कुछ शुभ योग भी बन रहे हैं। अब शुभ योग में क्या है, एक तो गुरु मंगल का बहुत अच्छा योग बन रहा है, दूसरा शुभ योग बन रहा है बुध आदित्य योग बन रहा है, श्री लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, बीच बीच में चंद्रमा गज केसरी योग बनाएंगे, उसके साथ में बीच में चंद्रमा महालक्ष्मी योग भी बनाएंगे। तो ये कुछ शुभ योग भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो अब अगर देखा जाए इस कुंडली में, जो कुंडली है यहाँ पर देखिए, गुरु की स्थिति बहुत मजबूत है क्योंकि गुरु चंद्रमा के दोस्त होते हैं, तो वो अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं और अपने ही भाव में बैठे हुए हैं, तो गुरु का सपोर्ट मिलेगा और मंगल का भी सपोर्ट मिलेगा। और मंगल का सपोर्ट मिलेगा, इसके साथ साथ देखिए सूर्य की स्थिति भी शुरुआती 15 दिन अच्छी है और बुध की स्थिति भी अच्छी है। बुध तो मार्गी भी हो जाएंगे 3 तारीख को और सूर्य की स्थिति तब थोड़ी सी गड़बड़ाएगी जब सूर्य 15 तारीख के बाद आपके 12वें भाव में चले जाएंगे, तो थोड़े से खर्चे बढ़ जाएंगे, डिस्टर्बेंस बढ़ जाएगी। विदेश यात्रा से अच्छा लाभ जरूर हो जाएगा लेकिन खर्चे वगैरह बढ़ सकते हैं, थोड़ा सा चोट चपेट लग सकती है, एक्सीडेंट वगैरह हो सकते हैं। तो 15 तारीख के बाद इन सब चीज़ों पर थोड़ी नज़र बना के रखिएगा, सावधानी रखिएगा। केतु चौथे भाव में वैसे बहुत ज़्यादा बुरे रिजल्ट नहीं देते हैं, यानी केतु भाव जो है चौथे भाव में अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब लेकिन यहाँ पर बस एक ही चीज़ आपको देखनी है कि अपने बड़ों का सम्मान करना है, पिता का सम्मान करना है, गुरुजन का सम्मान करना है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखनी है, तू मैं नहीं करनी है, बहसबाजी नहीं करनी है, वरना केतु खराब हो जाएंगे। राहु और शुक्र की जो युति है ये आपको उतावलापन दे सकती है, जल्दबाजीपन दे सकती है, बिना सोचे समझे आप फैसला कर सकते हैं, वासना विलासिता में फंस सकते हैं, इससे आपको बचना होगा वरना लेने के देने पड़ जाएंगे, चरित्र खराब हो सकता है। तो आइए अब विस्तार पूर्वक जानते हैं। तो महीने की शुरुआत की अगर हम बात करें तो वैसे तो स्थिति लाभकारी रहने वाली है, प्रेम संबंध के मामले में आपको बहुत अच्छे लाभ मिलने वाले हैं और आप प्रेम संबंध देखिए उसमें वासना मत लाइएगा, प्रेम संबंध इस बार बहुत बनेंगे, एक से ज़्यादा प्रेम संबंध बन सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाओं का आकर्षण आपके प्रति बढ़ रहा है तो आप सबको घुमाते रहें, तो बचना होगा आपको इन सब चीज़ों से वरना आपकी चरित्र पे दाग लग जाएगा और आपका करियर भी आप ले डूबेंगे। तो बहुत सावधानी रखनी होगी, महिलाओं से बड़ी प्यार से बात करनी है, घर पे शादीशुदा जीवन को बहुत संयम तरीके से बिताना है। और इस महीने आपको लाभ के कई अवसर मिलेंगे जिससे आपकी आमदनी बढ़ेगी तो फिर आप अपने घर गृहस्थी के ऊपर खर्चा कर पाएंगे, आपके ऊपर कोई लोन वगैरह था तो उसको भी उतार सकते हैं और इतना अच्छा आपका काम धंधा चल सकता है कि आपकी डूबी हुई इज्जत, खोई हुई मार्केट में जो आपकी इमेज थी वो आप वापस कमाने में कामयाब रहेंगे। महीना अगर हम देखें तो आपको बहुत अच्छे अच्छे मौके देगा क्योंकि राहु 10वें घर में बैठे हुए हैं, तो राहु जो है यहाँ पर 10वें घर में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। राहु आपको ऐसे ऐसे मौके दे देंगे जिनमें आप ज़बरदस्त लाभ कमाते हुए आगे चले जाएंगे, जिसके बारे में सोचा भी ना हो, यानी आपके खान पान, आपके रहन सहन, आपकी कमाई में अचानक से वृद्धि हो जाएगी। अब वो चाहे नौकरी अच्छी लग जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, लॉटरी निकल जाए या कुछ इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। कारोबार में जो आप सोच रहे थे कि मैंने ऐसे करना है वैसे करना है, नए काम की शुरुआत करनी है, वहाँ पर भी आपको सफलता मिल जाएगी। इस महीने आप अपने जीवन साथी के साथ या अपने दोस्तों के साथ या फैमिली कोई ट्रिप लगा सकते हैं, कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं और काम के सिलसिले में भी आपकी यात्राएं हो सकती हैं, घूमना फिरना हो सकता है। तो कुछ कुल मिलाकर अच्छी स्थिति बन रही है। चौथे सप्ताह में यानी कि महीने के अंत में आपको कुछ अच्छी खबर मिलती हुई दिखाई पड़ रही है, शत्रुओं से आपकी
तूतुमय में होती रहेगी, शत्रु बार बार आपके सामने आएगा, आपको चैलेंज करेगा और आप उसे जीत लेंगे, लड़ाई होगी लेकिन आप जीत जाएंगे। महीने में अगर हम देखें तो कभी कभी चिंता भी होगी, आप चिंता इस बात की होगी कि पैसा तो अच्छा खासा आ रहा है लेकिन आप उसको सही इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप कमा रहे हैं इस हाथ से लेकिन सही इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से आप पैसे को डबल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसकी वजह से आप टेंशन में आ सकते हैं। कई बार आप लोगों की कही सुनी बातों में आकर बिना अपना दिमाग लगाए पैसे का इन्वेस्टमेंट कर देंगे जिससे कि आपको नुकसान हो सकता है। अब शनि जो है वो वक्री हो जाएंगे अष्टम भाव में, तो आपको भाई देखिए सेहत का बहुत ध्यान रखना होगा, आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, आप किसी सरकारी तंत्र से जुड़े हैं तो वहाँ पर आप आरोप लग सकते हैं, कोई रिश्वत वगैरह मत लीजिएगा या कोई झूठे आरोप लग सकते हैं, विदेश जाने के चक्कर में आप पैसा गंवा बैठे, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए या आपका कोई काम अटक जाए सरकारी काम जिसके पीछे आपको खूब पैसे खर्च करने पड़ जाए, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। कोर्ट कचहरी के मामले लंबे खींच सकते हैं, तो आपको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है शनि के वक्री होने के बाद। तो लेकिन कुछ ऐसे भी चीज़ें होंगी जिनमें आपको राहत भी मिल जाएगी, बुध भी आपकी हेल्प कर देंगे, आपको बहुत दिमागदार इंसान बना देंगे, मुसीबतें आएंगी लेकिन आप उनसे निकलने का हल ढूंढ लेंगे। तो चुनौतियों भरा ये महीना रहेगा, आपको धैर्य से चलना होगा, लोग आपको भड़काने का प्रयास कर सकते हैं, लोग आपको पागल बनाने का प्रयास कर सकते हैं, लोग आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, लोग आपके कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का प्रयास कर सकते हैं। तो कर्क राशि वालों को थोड़ा संभल कर यहाँ पर रहना होगा। फिर मैं यही कहूँगा कि आपको अपने चरित्र पर बहुत ध्यान देना है, किसी की कहीं सुनी बातों में नहीं आना है, विपरीत लिंग के साथ प्यार का व्यवहार रखना है लेकिन उसके साथ धोखा नहीं करना है, अविश्वास नहीं पैदा होना चाहिए रिश्तों में, और शनि आपको परेशान कर सकते हैं। 5 तारीख के बाद शनि जो है जब वक्री हो जाएंगे तो स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें आ सकती हैं या आप थोड़ा दुनिया से अलग हो सकते हैं, यानी कि ऐसा लगेगा कि अब मैं बिल्कुल शांत अपना अलग बैठ के कोई चीज़ सोचूं, मुझे वैराग्य चाहिए, दीन दुनिया से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, इस तरीके की चीज़ें आ सकती हैं। तो और केतु को अच्छा रखने के लिए मैं फिर कहूँगा कि गुरुजन की सेवा करें, माता की सेवा करें, पिता की सेवा करें, मंदिर जाएं, कुत्ते की सेवा करें, वरना केतु बिगड़े तो घर की स्थिति बिगड़ जाएगी, यानी घर में जो लोग रहते हैं लड़ाइयाँ हो सकती हैं, और यहाँ पर बहुत ही अच्छी स्थितियाँ भी बनी हुई हैं। समझदारी से अगर आपने काम लिया तो काफ़ी लाभ भी होने वाला है, अगर ना समझी की तो नुकसान भी हो सकता है। तो मैं यही कहूँगा हनुमान जी की उपासना के साथ साथ आप लोग काल भैरव की उपासना भी करिए, इस महीने में आपको बहुत बढ़िया लाभ होगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहिए, और अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बेहतर है, जो जन्म कुंडली आप लेकर पैदा हुए हैं वहाँ पर सब कुछ ठीक है, तो कर्क राशि वालों को बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आप जो इज्जत खो बैठे थे परिवार में, जो लोग आपको नकारा निकम्मा समझते थे कि यार ये तो बेकार है, ये तो कुछ नहीं कर सकता, ये तो ऐसे ही है, वो इज्जत आप दोबारा वापस पा लेंगे। रिश्तों में आप एक बार फिर से उभर कर सामने आएंगे, अपनी बिगड़ी हुई इमेज को बनाने के लिए जून का महीना कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। पैसा स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में, लॉटरी में लगाइए, तो उसको सही इन्वेस्टमेंट भी करिए, आप कमाएंगे लेकिन सही जगह पर लगा ना पाने की वजह से आप अपने ही पैसे को बर्बाद भी कर लेंगे, इस हाथ से कमाया इस हाथ से लुटाया, ऐसी स्थिति हो सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ठीक भी है और ख़राब भी है, अपनी जन्म कुंडली की जांच कराकर सही उपाय करके आप जीवन में तरक्की पा सकते हैं, जून को और बेहतर बना सकते हैं। तो शुभ रहे आपका ये महीना, और अगर आपको सभी कुछ समझ में आया हो, मेरी बात ठीक लगी हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। हरिओम, नमस्कार।